हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सरिता जी, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, मेरे चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर है बट मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, और मैं ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको अपना चैनल ग्रो करना होता है उसके लिए सबसे ज्यादा आपका जरूरी होता है वाईटी स्टूडियो। अगर दोस्तों आपको वाईटी स्टूडियो यूज करना ही नहीं आता है तो आप अपने चैनल को कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो गाइज, आपको जो वाईटी स्टूडियो होता है वो किस तरीके से यूज करना है, उसका जो सही तरीका कौन सा होता है वाईटी स्टूडियो को यूज करने का, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो गाइज, इसके लिए हम चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर, और गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको आसानी से बताऊं कि आप लोग वाईटी स्टूडियो किस तरीके से यूज करेंगे और आप लोग कहाँ पे वो गलतियां करते हैं जिससे आप लोग अपने चैनल पे व्यूज नहीं ला पाते, सब्सक्राइबर नहीं ला पाते। सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों को क्या लगता है, सब्सक्राइबर। बट दोस्तों, सब्सक्राइबर जरूरी नहीं होते, आपके लिए होते हैं व्यूज जरूरी। चाहे हमारे चैनल पे कम सब्सक्राइबर हो बट अगर हमारे चैनल पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो हमारे चैनल की अहमियत बढ़ जाती है। तो चलिए, हम यहाँ से दोस्तों आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और दोस्तों यहाँ से मैंने वाईटी स्टूडियो उसे ओपन कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जब आप अपने चैनल मतलब यहाँ पे खोलते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको एक व्यू मोर का एक ऑप्शन दिखता है। तो व्यू मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके सारे फीचर होते हैं वो खुल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, बस आपको वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना है। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आ जाता है ओवरव्यू का, ओवरव्यू का जो ऑप्शन होता है वो आ जाता है यहाँ पे। आप दोस्तों ये जो ओवरव्यू का जो ऑप्शन है, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके चैनल पे मतलब जो 48 घंटे मतलब जो 28 दिन के जो टोटल व्यूज है वो कितने आ रहे हैं, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरे जितने व्यूज आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी जो टॉप वीडियोस है जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं 48 मतलब जो 28 दिन में, तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि आपके 28 दिन में सबसे ज्यादा व्यूज कौन सी वीडियो पे आए हैं। आप गाइज, आप लोग ये तो देख लेते हैं कि 28 दिन में सबसे ज्यादा व्यूज मेरे कौन सी वीडियो पे आए हैं, बट आप लोग ये गलती करते हैं कि आप लोग उससे रिलेटेड एक दो वीडियो और नहीं बनाते हैं। आप लोगों की एक वीडियो चल जाती है तो आप लोग वहीं पर रुक जाते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी अगर कोई वीडियो चल जाती है तो आपको उसके बदले में उसी से रिलेटेड दो तीन वीडियो और बना देनी है, ताकि वो वीडियो भी आपके सर्च में जाए, वैसा ही टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप इतना काम नहीं करते हैं तो आप लोग वाईटी स्टूडियो पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, मैं आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है और इसको मैं फॉलो करती हूँ, तो आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टिप्स देने वाली हूँ, तो आप लोग बस यहाँ पे फॉलो करते रहिए मेरे टिप्स को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे आ रहे हैं, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरी टॉप वीडियोस है उस पर आपको दिख रहा है YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा चली है मेरी 28 दिन के अंदर वीडियो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये Instagram मोबाइल हैंग प्रॉब्लम, उसके बाद YouTube चैनल कैसे बनाए, ये सारी वीडियो मेरी चल रही हैं। अब अगर इससे रिलेटेड मैं एक दो वीडियो और बनाती हूँ तो मेरी वीडियो आराम से चल जाएंगी। और दोस्तों इसमें कोई भी शक की बात नहीं कि आप लोग अगर इन वीडियोस को और बनाते हैं इससे रिलेटेड तो आपकी वीडियो 100% चलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों ये जो आपकी टॉप वीडियोस आती हैं इससे रिलेटेड आपको दो तीन वीडियो और बना देनी है अपने चैनल पे, एक नहीं तो दूसरी बनाइए, दूसरी तीसरी जरूर सर्च पे आपकी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये हो गया, फिर दोस्तों नीचे आपके अपने जो रियल टाइम व्यूज़ आते हैं आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे वो व्यूज़ आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे आ रहे हैं 10,500 करीब व्यूज़ मतलब 48 घंटे के, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जो वीडियो है, जो सबसे पॉपुलर में जो वीडियो चल रही है वो यहाँ पे सारी शो होती रहती है। तो जो मैंने आपको पहले तरीका बताया आप लोग वो अपनाना। फिर दोस्तों सेकंड ऑप्शन है रीच का, ठीक है। तो हम रीच पे चलते हैं। आप दोस्तों रीच में आप देख सकते हैं जो इंप्रेशन है, ठीक है, मतलब यूट्यूब हमारी वीडियो को कितने लोगों के पास भेज रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1.4 मिलियन, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चैनल का जो इंप्रेशन है वो कितना ज़्यादा है और यूट्यूब मेरी वीडियो को कितने ज़्यादा लोगों के पास भेज रहा है। आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं पता है कि मेरी वीडियो कब वायरल हो जाए, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल का जो इंप्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई है। मेरा जो इंप्रेशन 1.4 मिलियन जा रहा है, अगर एक दिन मतलब ये इंप्रेशन जितने लोगों के पास गया उन लोगों ने अगर मेरी वीडियो देख ली सभी ने, तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जब आपका इंप्रेशन बढ़ता है तो आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, जब आपका इंप्रेशन डाउन होता है तो आपके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। आप देखिए, इस पर हम क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाते हूँ, देखिए अभी मेरा इंप्रेशन बीच में जो हाई हुआ था, जो ग्राफ है जो जब ऊपर उठता है तो आपका इंप्रेशन हाई हो जाता है, जब ग्राफ नीचे जाता है तो आपका इंप्रेशन है वो लो हो जाता है।
यही वजह होती है हमारे चैनल पे जो व्यूज होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक आ रहा है ट्रैफिक सोर्स टाइप, मतलब यहाँ पे आपका जो चैनल है उस पे सबसे ज्यादा व्यूज किस जरिए से आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूट्यूब सर्च से मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यूट्यूब सर्च से मेरे चैनल पे 78% व्यूज आ रहे हैं, ब्राउज फीचर से 5.5%, अदर यूट्यूब फीचर से 4.7 और चैनल पेजेस से केवल 4%। तो आप लोग देखिए सबसे ज्यादा व्यूज मुझे यूट्यूब सर्च से मिल रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा आप लोग ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो आपकी सर्च में जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया हमारा। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब आपकी वीडियो अगर कोई शेयर कर रहा है कहीं भी, वो आपको व्यूज कहाँ से मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है व्हाट्सएप के जरिए, मतलब लोग अपने व्हाट्सएप पे अगर स्टेटस लगाएं या हम लगाएं, कोई भी लगाएं, आपको जिस जरिए से व्यूज मिलेंगे आप वहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से कि आपका क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन आ रहा है टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, दोस्तों ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आप लोग सबसे जल्दी यहाँ पे देख लीजिए कि आपके चैनल पे कौन सी वीडियो वो ज़्यादा सर्च में चल रही है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, मेरे चैनल पे चल रहा है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ये टॉप पे चल रहा है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर दो वीडियो बना के रखी है अपने चैनल पे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दोनों वीडियो हैं वो दोनों वीडियो मेरी ठीक ठाक चली थी। और यहाँ पे देखिए यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ये मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा टॉप में ये यूट्यूब सर्च टर्म चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अगर मैं इससे रिलेटेड एक दो और वीडियो बनाऊंगी तो वो सर्च में जाने के चांस रहते हैं। तो आप लोग इतना काम तो कर लेना कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आगे। और यहाँ से आप देख लीजिए, जो आपकी टॉप सर्च टर्म में चल रही है उसी से रिलेटेड आपको दो तीन वीडियो और बनानी है, जिससे आपकी वीडियो है वो सर्च में जाए और आप लोग अच्छे व्यूज हासिल कर सके और आपको सब्सक्राइबर मिल सके। तो इतना मैंने आपको बताया। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए, नीचे आ रहा है टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कॉन्टेंट, ठीक है। जो आपकी वीडियो चलती है उसके सजेस्ट में नीचे कौन कौन सी वीडियो आ रही है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक भी पकड़ लेने हैं, इससे आपको क्या होगा, आपको यहाँ से कंटेंट भी मिलेगा और आपकी वीडियो जल्दी रैंक भी करेगी। तो यहाँ से देखिए, यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, मतलब इस पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मेरी वीडियो सही सलामत चलेगी। इंस्टाग्राम रील्स में स्लो मोशन फास्ट मोशन, मतलब मेरी वीडियो के सजेस्टेड में ये सारी वीडियो चल रही है, और अगर इन पे मेरी वीडियो बनी हुई होती तो मेरी वीडियो ही इनके नीचे आती, ठीक है। मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब ये सारी वीडियो है ये सब मेरी वीडियो के नीचे चल रही हैं। अगर आप इनके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं तो आपकी वीडियो भी सजेस्टेड में जाने लगेंगी, दूसरों की वीडियो की सजेस्टेड में जाएंगी। बस आपको क्या करना है, अपने वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है अदर वीडियोज़ के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इतना आपने देख लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे मिलेगा टॉप प्लेलिस्ट योर कॉन्टेंट, मतलब जो आपकी प्लेलिस्ट है वो सबसे ज़्यादा कौन सी चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सरिता पटेल टैक्स एंड यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, ये दो प्लेलिस्ट है ये मेरी सबसे ज़्यादा चल रही है। और इसी प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना है। अब आपको पता होगा, जब आप प्लेलिस्ट बनाते हैं तो आपको पता है हमने इस प्लेलिस्ट में कौन से टॉपिक को ऐड किया है, कौन कौन सी वीडियोस को ऐड किया। तो हमें क्या करना है, उसी वीडियोस पे काम करना है, उसी टॉपिक पे काम करना है, उसी कंटेंट को लेके अपने साथ में चलना है। अदरवाइज आपको कोई टॉपिक नहीं पकड़ना है, बस आपको इतना याद रखना है। फिर दोस्तों यहाँ से हमारा इतना ये खत्म हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन आता है इंगेजमेंट का, ठीक है। तो हम इंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों इंगेजमेंट में ऊपर तो आपको वॉच टाइम मिल जाता है कि आपका जो 28 दिन का वॉच टाइम है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3800 घंटे मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जहाँ अपनी वीडियो पे कार्ड लगाते हैं, ठीक है, तो वो कार्ड के जरिए भी हमें व्यूज मिलते हैं, और हम क्या करते हैं एंड स्क्रीन लगाते हैं उसके जरिए भी हमें व्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉप कार्ड्स, ठीक है। तो टॉप कार्ड्स में दोस्तों ये जो मेरे जो देखिए आपको ज्यादा यहाँ पे पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ये है जो मेरे टॉप कार्ड्स में चल रहे हैं, मतलब ये मुझे कार्ड्स के जरिए मिल रहा है, जो हम आई बटन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आई बटन के जरिए मुझे यहाँ पे व्यूज मिल रहे हैं। तो आप लोग ये सब काम जब अपनी वीडियो आप अपलोड करते हैं उससे पहले आपको अपने चैनल पे आई बटन भी लगा देना है और अपने चैनल पे एंड स्क्रीन भी लगा देनी है। अगर आप लोग इतना काम नहीं करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के व्यूज तो आएंगे बट उतने व्यूज नहीं आएंगे जितने आपके आने चाहिए। देखिए हमारे चैनल पे मेन होता है हमारा ओवरऑल व्यूज, हमारे चैनल का ओवरऑल व्यूज कितना आ रहा है। अगर आपका ओवरऑल व्यूज ज्यादा आएगा तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, आपका वॉच टाइम ज्यादा बढ़ेगा। आपको पर वीडियो से मतलब नहीं रखना है, आपको अपने चैनल का ओवरऑल व्यूज रखना है कि हमारे चैनल पे ओवरऑल व्यूज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अगर ओवरऑल व्यूज है उसको बढ़ाना है तो आप लोगों को अपने चैनल पे कार्ड्स लगा के एंड स्क्रीन लगा के तभी अपनी वीडियो को पब्लिक करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट नीचे आ रहा है टॉप प्लेलिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स की मेरी प्लेलिस्ट है वो सबसे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी से रिलेटेड है वो वीडियो ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब दोस्तों आते हैं ऑडियंस वाले ऑप्शन पे, जो फोर्थ नंबर पे ऑडियंस का ऑप्शन है, यहाँ पे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ये जो रिटर्निंग व्यूअर्स और न्यू व्यूअर्स, ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखिए
रिटर्निंग व्यूअर्स का मतलब ये होता है कि जो लोग हमारी वीडियो को पहले देख रहे थे उन्होंने हमारी वीडियो बीच में देखना छोड़ दी थी। अब हम अगर अच्छी वीडियो बनाते हैं तो वो हमारे चैनल पर फिर से वापस आते हैं, मतलब फिर से रिटर्न आते हैं। तो ये होता है हमारे चैनल में, हमारे चैनल के कंटेंट में दम, कि हमारे चैनल का कंटेंट इतना अच्छा है जिससे वो लोग हमारे चैनल पर फिर से वापस आ रहे हैं। और दोस्तों जो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, एक आता है न्यू व्यूअर्स, तो दोस्तों जो आपको स्काई ब्लू लाइन दिख रही है न्यू व्यूअर्स की है, और जो आपको पर्पल कलर की लाइन दिख रही है ये रिटर्निंग व्यूअर्स की है। तो दोस्तों मेरे चैनल पे रिटर्निंग व्यूअर्स है वो कम है और न्यू व्यूअर है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे न्यू व्यूअर है वो मेरे चैनल पे ज़्यादा है, मतलब मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहे हैं और मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को भी अपना कंटेंट इतना अच्छा बनाना है जिससे आप लोगों के चैनल पे नए नए सब्सक्राइबर आए और आपके वीडियो को देखना पसंद करें, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं व्हेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब आपको खुद बताता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहती है। तो दोस्तों आप लोगों को जो ये पर्पल लाइन दिख रही है, जो ये पर्पल लाइन जहाँ पे आपकी ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा पर्पल लाइन है आपको वहीं पे उसी टाइम पे अपने वीडियो को अपलोड करना है यूट्यूब पे, क्योंकि अगर आप लोग यूट्यूब पे उसी टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके व्यूज होते हैं वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब आपको खुद सजेस्ट करता है कि आप लोग इस टाइम पे अपनी वीडियो अपलोड कीजिए जिससे आपके चैनल पे ज्यादा ट्रैफिक आए, ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं इस टाइम पे यूट्यूब पे तो आपकी वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों नीचे आता है एज का ऑप्शन, ठीक है, कि कितनी एज के लोग हैं वो आपकी वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 18 से 24 साल के लोग हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग अपने चैनल पे देखना इतनी ही एज के दिखेंगे, क्योंकि सभी लोग इतनी एज के अभी यूट्यूबर हैं, इतनी एज में सभी लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, नीचे आपको जेंडर मिल जाता है कि कौन ज़्यादा देख रहा है, मतलब मेल ज़्यादा है, फीमेल मतलब बहुत ही कम है, भाई मैं तो लगी पड़ी हूँ। यहाँ पे देखिए मेल है, मेल ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, फीमेल कम देखती हैं। और दोस्तों ये नीचे कोई इतना ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों जो नीचे होता है वो अदर वीडियोज़ योर ऑडियंस वॉच्ड, मतलब जो आपकी ऑडियंस है वो और किस किस की वीडियो देखती है, इसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है और उसी कंटेंट से रिलेटेड आपको वीडियोज़ बनानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब जो अदर वीडियोज़ हैं, आप देखिए यहाँ पे जो अदर वीडियो है वो मेरे ऑडियंस ने देखी हुई हैं। आप दोस्तों यहाँ पे नीचे चलते हैं तो अदर चैनल योर ऑडियंस वॉच्ड, मतलब आपकी ऑडियंस है वो और कौन से चैनल देखती है। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपको 10 चैनल देखने के लिए मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए इतने सारे चैनल मेरी ऑडियंस देखती है, और दोस्तों ये सारे टेक की ऑडियंस है, तो मतलब मुझे अपने चैनल पे इतना अच्छा कंटेंट बनाना है जिससे मेरी ऑडियंस मेरे चैनल तक सीमित रहे, किसी और की वीडियो ना देखे। और यहाँ पे देखिए सारे टेक कैटेगरी के ही चैनल देख रही है मेरी ऑडियंस, तो मुझे पता है कि मेरे चैनल पे सभी टेक कैटेगरी के लोग ही हैं, तो मुझे केवल उन्हीं के लिए वीडियो बनानी है, अदरवाइज मेरे चैनल पे व्यूज़ आए या ना आए, बस जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ही मुझे वीडियो बनानी है। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट होता है रिवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे तो रिवेन्यू आपका आ जाता है, वो तो आपका अगर चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है, तब आपके चैनल पे रिवेन्यू शो होता है, अगर मोनेटाइज नहीं है तो आपके चैनल पे रिवेन्यू शो नहीं होगा पहले, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है टॉप अर्निंग वीडियोस, मतलब आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग किस वीडियो से हो रही है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, यहाँ पे मुझे इस वीडियो से सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है, आप लोग भी देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में दोस्तों इस वीडियो से मुझे सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है, ठीक है। और बाकी दोस्तों रिवेन्यू सोर्सेज, यहाँ पे हम क्या कहाँ कहाँ से रिवेन्यू लेते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऐड टाइप मिल जाता है कि आपके चैनल पे कौन कौन से ऐड चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्किपेबल वीडियो ऐड ज़्यादा चलते हैं जिसको हम स्किप कर सके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको ये सब कुछ बताया, इस सबको अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं ना तो आपका चैनल 100% ग्रो करेगा, और आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होगी कि आप लोग किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो करेंगे। तो गाइज मैंने आपको ये पूरा बाइटो स्टूडियो यूज़ करने का तरीका इस वीडियो में बता दिया है, अब शायद आप लोगों की कोई भी शिकायत नहीं रही होगी। आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे रखना होता है ध्यान में, वो सब कुछ मैंने आपको बताया, ये सारे ऑप्शन किस लिए बाइटो स्टूडियो में दिए गए हैं, इनका किस तरीके से आपको फ़ायदा उठाना है, वो सब आपको इस वीडियो में ध्यान रखना है। तो गाइज आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से सीख लिया होगा, अब आपको शायद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।